एक कमरे में अगर आप बैठकर स्ट्रीम करो यूट्यूब पे और बाकियों को पता ही नहीं। फारूक रिजवी खान तो चैलेंज दे रहे हो ओपन डिबेट की, ईद मिलाद को गलत प्रूफ करके दिखाओ। वो तो ओपन चैलेंज दे रहे, कोई जाके बात क्यों नहीं वो करता उनसे? भाई सिर्फ वो कमरे में ओपन नहीं छोड़ा, कर मैं रहे, प्रश्न हम पूछना स्ट्रीम में चाहता कर हूँ। रहे हैं, ओपन है ये, ओपन ये भी ये भी ओपन तो है, ओपन बुला है ना लाओ, शेख, बुला लाओ उनको, ओपन क्वेश्चन। उनको बुला लाओ, फारूक रिजवी को बुला लाओ, ये भी ओपन है ना, आप जाके बुला लाओ। आप किफायत भाई, अगर मसला है कि आज उनके पास टाइम नहीं है तो हम भी हाँ उनको चैलेंज देते हैं कि अगली स्ट्रीम में आ जाएं वो। अरे भाई बातचीत हमारी कराओ, हम कोई स्ट्रीम रख लेते हैं इसी मौजू पे, मैं बात करूंगा, मैं आपके सामने बोलता हूँ, मैं बात करूंगा, आप जाके मेरा पैगाम पहुंचा दो, रख लो स्ट्रीम, ईद मिलाद नबी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बात करेंगे सबके सामने, हाँ दुनिया के ऑनलाइन बात सामने करेंगे, रहेगी। पूरी दुनिया देखेगी भाई, ऑनलाइन बात करेंगे, सामने कौन बैठे बैठेगा वहां पे जाएगा, ऑनलाइन बात करेंगे। आज दुनिया भाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, सामने बैठे से दंगा फसाद पता नहीं क्या क्या होता है, ये जमाना है ऑनलाइन बात करने का। वो लोग बहाना बना के दंगा फसाद करके मुनाजरे का करवा के फिर भाग लेते थे ये सब, ये तो ऑनलाइन जमाना, कौन भागेगा, आओ बैठ के बात करो। ओपन स्ट्रीम में अभी हम लोग और 1.5 घंटा कम से कम है। भाई हाँ हमने ऐलान जी किया है, ओपन स्ट्रीम का ऐलान किया है, और हम ये जानते हैं कोई भी आ सकता है, जब हम यहाँ जी बैठे हुए हैं, जैसे आप आ गए भाई, आपकी जगह वो भी तो आ सकते थे। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि बजाय इसके कि हम झगड़ा करें, जी हमको जी इस बात पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हमको भी है और मोहब्बत बेशक का दावा बेशक आपको भी है। अब बेशक इस बेशक इजहार में हमारा और आपका इख्तिलाफ है। आप कहते हैं इसका इजहार जो है ईद मिलाद करके करेंगे, हम कहते हैं नहीं, इसके इजहार का दूसरा तरीका है। तो हम सबको मिलकर के इस बात पे गौर करना चाहिए ना कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत का जो मेयार कुरान ने बताया है, क्या उस मेयार की मोहब्बत मुझसे आपसे हो रही है? यार फिक्र इस बात की होनी चाहिए, फिक्र सही इस बात बात की है कि कितना शानदार इजहार, कितना शानदार जुलूस। फिक्र इस बात की करो ना कि अल्लाह ने कहा है कि अगर अपने बाप से, अपने बेटों से, अपने जो है बीवियों से, अपने कुंबा कबीले से, अपने माल जायदाद से, अपनी तिजारत से बढ़कर अगर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत नहीं करते हो ना, तो फिर इंतजार करो अल्लाह के किसी फैसले का। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक जो है उसके वालिद से, उसके बच्चे से और तमाम लोगों से महबूब ना हो जाऊं। तो हम सबको इस बात पे गौर करना चाहिए ना कि मोहब्बत के इस मेयार पे हम, हमारा समाज, हमारा कुंबा कबीला है कि नहीं है। मोहब्बत के एक ऐसे इजहार पे जिसपे उम्मत मुत्तफिक नहीं है और यहाँ तक कि मजाहिब अरबा में इसकी कोई बुनियादी तशरीह मौजूद नहीं है, उस पर हम क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं?